वेलकम बैक, आप सबको एक बार फिर हम खुश आमदीद कहते हैं। तो जी समर अब्बास, नेक्स्ट आप एक सॉन्ग हमें सुनाएं जो आपका फेवरेट सॉन्ग है। जी बिल्कुल, मैडम नूर जहां साहिबा का एक पुराना सॉन्ग है मेरे जहन में आ रहा है इस वक्त, और अब सभी सुनने वालों को डेडिकेट करता हूँ ये सॉन्ग, मेरे दिल के बहुत करीब है। रात फैली है तेरे सुरमैया चल की तरह, चांद निकला है तुझे ढूंढने पागल की तरह। रात फैली है हाय खुश्क पत्तों की तरह, लोग उड़े जाते हैं हो खुश्क पत्तों की तरह, लोग उड़े जाते हैं। आज बहने दे मुझे दरियाओं की तरह, चांद निकला है तुझे ढूंढने पागल की तरह। रात फैली है। That was really very very awesome. अच्छा, आप शरारती हैं या सीरियस किस्म के? डिपेंड करता है, मैं शरारती भी होती हूँ, लाइक एट टाइम मैं बहुत फनी होता हूँ, सबकी नाक में दम कर देता हूँ, और कभी कभार इतना सीरियस हो जाता हूँ कि लाइक पूछते हैं बेटा क्या हुआ है, मतलब आजकल बोल रहे हो लड़के, शोर नहीं कर रहे हो तुम, हेलो हाई नहीं कर रहे हो। ओके, क्या बनना चाहते हैं, फ्यूचर प्लानिंग्स क्या हैं आपकी? प्लान मेरे एक्चुअली बहुत बड़े प्लान हैं मेरे, पता नहीं सब कुछ होगा कैसे। बड़े प्लान ही होने चाहिए, बिल्कुल छोटे प्लान तो रखने भी नहीं चाहिए, होते भी नहीं है कंप्लीट पे। बड़े प्लान रखेंगे तो वो कहते हैं ना, आपका विजन जो है वो बहुत हाई होना चाहिए। लिव सिंपल बट थिंक हाई। जी बिल्कुल। तो अच्छा, क्या है प्लान्स, क्या है? मुझे एक एक बहुत पाकिस्तान का एक नामवर सेलिब्रिटी बनना है इंशाल्लाह आने वाले वक्त में। इंशाल्लाह मैं 30 बरस का होने से पहले मैं चाहता हूँ कि मेरा एक नाम हो पाकिस्तान में। मैं लाइक मीडिया में एज एन एक्टर मैं थिएटर करना चाहता हूँ, प्लेस करना चाहता हूँ, एक्टिंग कर सकते हैं यानी कि कर सकता हूँ, लेकिन अभी अभी नहीं करूँगा। अच्छा, आपको पता है अभी करवा देनी है। अच्छा चलें, आपकी हॉबीज क्या हैं इसके अलावा, सिंगिंग के अलावा? सबसे पहले तन्हाई, तन्हाई में एक्चुअली मुझे खुद को समझने का मौका मिलता है। इसके अलावा मैं म्यूजिक सुनता हूँ, मूवीज देखता हूँ, आई एम ह्यूज फैन ऑफ पाकिस्तानी फिल्म। मैंने पिछले करीब 4-5 बरसों में जितनी पाकिस्तानी फिल्म रिलीज हुई हैं मैंने देखी हैं, तो वॉचिंग पाकिस्तानी मूवीज इज वन ऑफ माई हॉबीज। लिसनिंग टू म्यूजिक एंड वीकेंड्स पे हम दोस्त बड़ी इकट्ठे होकर हम लोग दोस्त हैं आपके साथ, उमेर नाम है इनका। जी उमेर, आप बोलिएगा जरा माइक पे। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। उमेर बड़े खामोश खामोश है, मुझे लगता है सिंगिंग जो जिनका दोस्त सिंगर होता है वो खुद भी सिंगर होते हैं। उमेर, अगर आपसे मैं ये कहूँ कि आप हमें कुछ सुनाएं, कुछ भी सुना दें, चाहे आपको जैसा भी आता है। जी, आपने वो मिसाल सुनी होगी ना कि खरबूजे को देख के खरबूजा रंग पकड़ता है, हम देखते हैं कि वाकई पकड़ा है रंग के नहीं पकड़ा है, तो कुछ हो जाए। जी जरूर जी। जिस दिन से देखा है तुमको सनम, बेचैन रहते हैं उस दिन से हम, लगता है ऐसा खुदा की कसम, तुम मेरे हो, तुम मेरे हो, सावन है बरसात होती नहीं, खुल के कोई बात होती नहीं, कैसे बताएं ये तुमको सनम, तुम मेरे हो, तुम मेरे हो। शायर जो होता मैं तेरे लिए,
कहता गजल में कोई प्यार की होता मुसव्विर तो अपने लिए मूरत बनाता रुखे यार की तस्वीर तेरी बनाता मैं सारे जहां को दिखाता मैं पर क्या करूं के मुसव्विर नहीं है बदनसीबी के शायर नहीं कैसे बताएं ये तुमको सनम तुम मेरे हो तुम मेरे हो. थैंक यू. दैट वाज वेरी नाइस उमर. बहुत अच्छा आपने गाया है. अच्छा तो आप सिंगिंग साथ करते हैं? जी हम वीकेंड्स पे एक साथ होते हैं तो जैमिंग वगैरह करते हैं साथ. अच्छा, उससे अच्छा मुझे बहुत कुछ सीखने को मिलता है समर भाई से. अच्छा सही है. तो आप लोग कोलीग्स भी हैं आपस में? जी बिल्कुल, हम साथ में काम करते हैं, साथ अच्छा, में जैमिंग करते हैं. ओके नाइस. वर बडीज, हम बेस्ट फ्रेंड, बेस्ट बडीज हैं, बेस्ट फ्रेंड्स, इसीलिए साथ हैं आए हुए हैं. बिल्कुल बिल्कुल. ओके अच्छा तो गुस्सा कितना आता है आपको? आपको ज्यादा आता है उमर को ज्यादा आता है? ये मैंने उमर को एक्चुअली कभी गुस्से में देखा नहीं है. अच्छा. और आपके बारे में, आपको अपने बारे में? मुझे एक्चुअली बहुत काम आता है लेकिन जब आता है तो फिर वो सर वो आपने कहा वो था कि दरमियान का रास्ता नहीं है. गुस्सा आता है मुझे बहुत. गुस्से में क्या करते हैं? मैंने एक्चुअली आज तक मेरे फोन्स बहुत तोड़े हैं मेरे. हाथ में कुछ होता है तो मैं तोड़ देता हूँ लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है. बहुत काम होता है. जब कभी आता है मुझे गुस्सा तो फिर मैं कोशिश करता हूँ कि बस निकाल दूँ किसी तरीके से. किसी पोइट्री के बारे में क्या ख्याल है? शौक है पोइट्री का? बहुत शौक है मुझे. कोई याद है? एक्चुअली मेरा खुद का एक शेर है. Okay. कुछ महीने पहले मैंने लिखा था. Okay. शायद मैं बहुत ज्यादा उदास था किसी चीज को लेकर. Okay. तो मैं सुना, अगर इजाजत हो तो मैं सुना. जी इजाजत है. मेरी बेबसी के चर्चे बहुत आम हो चुके हैं. मेरी बेबसी के चर्चे बहुत आम हो चुके हैं. बोलूं तो दर्द उगलूं, रोकूं तो होश खो दूं. वेरी नाइस जी, बहुत खूब. अच्छा जी मुझे ये बताइए कि बचपन याद है आपको अपना? कुछ कुछ याद है, फ्लैशबैक्स हैं कुछ कुछ. क्या बचपन के खिलौने आपके पास अभी भी हैं? मेरे दिमाग में है लेकिन मेरे पास फिजिकली दिमाग में कौन से खिलौना है? बचपन में लाइक वी हम लोग मार्बल्स खेलते थे, गुल्ली डंडा खेलते थे. उसके अलावा पहली खेल कौन सी है? मेरे ख्याल से वो हमारी लैंग्वेज को बंटे बोलते हैं. अच्छा. वो जो मार्बल्स होते हैं. ठीक है. बंटे बोलते हैं वो वाली गेम मैंने देखी भी है. बहुत ज्यादा खेली जाती है अभी भी. बहुत खेलते हैं जी. ओके और कौन सी है? और उसके अलावा गुल्ली डंडा मैंने बहुत खेला. फिर मैंने क्रिकेट बहुत खेली. ओके. और मेरे भाई हैं शजर अब्बास, वो बहुत मतलब जब अपनी बारी बार आते थे तो पूरा दिन खेलते रहते और जब मेरी बारी आती तो बोलते यार बस. एक पहली बात तो ये थी कि उनको आउट करना बहुत मुश्किल था मेरे भाई को. तो क्रिकेट मैंने बहुत खेली है खासतौर पे घर पे अपने भाइयों के साथ. अगर आपके पास एक जिनी आ जाए वो आपसे पूछे कि उसने तीन विशेस आपकी पूरी करनी है तो कौन सी तीन विशेस है जो पूरी करवाना चाहेंगे? काफी टफ सवाल है, बहुत मुश्किल है इसका जवाब देना. कोई भी चीज नामुमकिन नहीं है. सबसे पहले तो एक्चुअली ऐसा होता है कि हमारे पास कुछ हीरे मौजूद होते हैं. मैं इंसानों की बात कर रहा हूँ. हमारे बहुत अच्छे फ्रेंड होते हैं, दोस्त होते हैं जिनकी हम केयर नहीं करते हैं तो हमारे हाथ से निकल जाते हैं. तो सबसे पहले मेरी विश यही होगी कि वो सब कुछ मेरे पास लौट के आ जाए जिनकी शायद कभी अनजाने में, मैं एक्चुअली इतना केयरलेस हूँ तो नहीं लेकिन अनजाने में अगर मैंने किसी का दिल तोड़ा हो, किसी को बुरा लगा हो मेरे रवैये से, तो मैं चाहूँगा कि वो सब मेरे पास लौट के आ जाए. एंड दैट्स इट. मुझे और एक्चुअली कुछ चाहिए नहीं, बाकी तो मैं खुद मेहनत कर रहा हूँ और इंशाल्लाह मुझे मिलेगा. अच्छा इंशाल्लाह. फ्रेंड्स के लिए कौन सा सॉन्ग सुनाना चाहेंगे अभी? मैं सब एक भाइयों को तो मैंने डेडिकेट कर दिया. मेरे कजन है राजा बशी, वो सुन रहे हैं इस वक्त. मैं सबसे पहले तो उनको कॉम्प्लीमेंट दूंगा कि कल हम राजा बाजार में घूम रहे थे और बहुत रश था, ट्रैफिक बहुत जैम था. तो भाई साहब ने क्या किया कि एक खंबे से बाइक निकाला, बिल्कुल किसी धूम 3-4 से कम नहीं थे. अच्छा. और उनको अप्रिशिएट करता हूँ बाइक पर. भाई आपने जिस तरह कल बाइक निकाला, मैं हैट्स ऑफ टू यू यार. आइंदा भी मैं हमेशा आपके साथ बैठूंगा. बहुत खूब. एक सॉन्ग है, मैंने पिछले दिनों एक इवेंट पे परफॉर्म किया था. मेरे पास एक्चुअली म्यूजिक नहीं है लेकिन विदाउट म्यूजिक
आई होप यू लाइक इट, इट गोज वेल। मिले हो तुम हमको बड़े नसीबों से, चुराया है मैंने किस्मत की लकीरों से, तेरी मोहब्बत से जाज़े मिली है, सदा रहना दिल में करीब होके। मिले हो तुम हमको बड़े नसीबों से, चुराया है मैंने किस्मत की लकीरों से, तेरी चाहतों में कितना तड़पे हैं, सावन भी कितने तुझ बिन बरसे हैं, जिंदगी में मेरी सारी जो भी कमी थी तेरे आ जाने से अब नहीं रही, सदा ही रहना तुम मेरे करीब होके, चुराया है मैंने किस्मत की लकीरों से। मिले हो तुम हमको बड़े नसीबों से, चुराया है मैंने किस्मत की लकीरों से, बाहों में तेरी अब यारा जन्नत है, मांगी खुदा से तू वो मन्नत है, जिंदगी में मेरी सारी जो भी कमी थी तेरे आ जाने से अब नहीं रही, सदा ही रहना तुम मेरे करीब होके, चुराया है मैंने किस्मत की लकीरों से। थैंक यू, दैट वॉज रियली वेरी वेरी नाइस। अच्छा, हम आपके जो है जल्दी जल्दी से नाम लेते हैं जो हमारे लिसनर सुन रहे हैं, बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट भी कर रहे हैं समर। और जी, तौसीफ सादिक, थैंक यू सो मच। लारे मिर्ज़ा, मिर्ज़ा मतलूब, राजा टॉरस, फैज़ान सत्ती, किरण खान, मोहम्मद अदनान दानी, सागर दीन, मोहम्मद बलोच फ्रॉम सिंध, और अफजल अथर, थैंक यू सो मच। और जी, हमाद गुलाबासी फ्रॉम कश्मीर, अफजल, थैंक यू सो मच। एस जे सादी सिद्दीकी फ्रॉम लाहौर, लाहौर से हैं आप, लाहौर, और आज अभी वापस पहुंचे, अच्छा आप लाहौर थे, आई लव योर शो, थैंक यू सो मच। तौसीफ कॉल फ्रॉम कश्मीर हाउस इस्लामाबाद, मसूद हया हैं, मसूद हया, ये कैसा नाम है, अच्छा जी, फ्रॉम पेशावर, थैंक यू सो मच। हुरिया हुरैन खान फ्रॉम इस्लामाबाद, थैंक यू सो मच। लकी मलिक, रिजवान मलिक, आपका शुक्रिया। माहे मलिका, और जी हमें ट्यून किया हुआ है हसन गुल, थैंक यू सो मच। जैनुल आबिदीन, राजा आसरा जी, लकी मलिक, रिजवान मलिक, और जी मती खान, थैंक यू सो मच। आमना ने ट्यून किया हुआ है, थैंक यू सो मच। मोहम्मद अफसर, मोहम्मद रिजवान, और जी कासिम रजा अवान, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। मुनीब तारिक फ्रॉम हरिपुर, राजा उमेर के थुवाल, आपका भी बहुत शुक्रिया। खिजर ने दुबई से ट्यून किया हुआ है, बहुत अप्रिशिएट किया है, थैंक यू सो मच। नसीम हिजाजी ने ट्यून किया हुआ है, फर्स्ट टाइम आपने शो ट्यून किया हुआ है, थैंक यू सो मच। और जी हमें ट्यून किया हुआ है जहांगीर ने, जहांगीर का भी शुक्रिया, जहांगीर जीमी। हमाद सती, आपका भी बहुत शुक्रिया। इसके अलावा हसन गुल ने ट्यून किया हुआ है, नुमान जकी हमें सुन रहे हैं, अहमद उदास शेजादी, ओके जी, थैंक यू सो मच जी, आपने ट्यून किया हुआ है। इसके अलावा हमें नाजिश बारको से सुन रही हैं, इमरान हमें सुन रहे हैं, इनाम मुगल हमें सुन रहे हैं इस्लामाबाद से, थैंक यू सो मच। जबेरिया कुरैशी, वरीशा गुल, लारे बबासी, थैंक यू सो मच। आवारा लड़का, थैंक यू सो मच फ्रॉम बाराको। इसके अलावा नई मावान हमें सुन रहे हैं और हरिपुर से सुन रहे हैं, थैंक यू सो मच। इसके अलावा जी हमें कमेंट आया हुआ है, मोहम्मद असद विहाड़ी से सुन रहे हैं, हमें ट्यून किया हुआ है जी सलीम आवान ने। नादिया खान हमें मदीना से सुन रही हैं, वहाब प्रिंस सुन रहे हैं, थैंक यू सो मच। आप सबके कमेंट में नहीं शामिल कर पा रही हूँ, लेकिन थैंक यू सो मच, आपने जितना अप्रिशिएट किया है और जो आपके फीडबैक्स आए हैं। हिलाल अहमद, थैंक यू सो मच। तौसीफ सादिक, रावलपिंडी, अच्छा
थैंक यू सो मच. इसके अलावा जी हमें मैं आपको बताती चलूं जी, आप ट्यून कर सकते हैं हमारी वेब से भी www.power99.com.pk पे. और सलीम आवान थैंक यू सो मच. इसके अलावा जी हसन आसिफ नईम फैजान सती और कैप्टन मुर्तजा हसन नाजू वलियानी फ्रॉम वर्जीनिया थैंक यू सो मच. इसके अलावा एंजल शाजिया मोहसिन चौधरी आसिफ नईम फिदा बहार किरण खान आपका बहुत शुक्रिया. मुनीब तारिक जवाद आमिर इसके अलावा मोहसिन अरसलान शानी और जी मानूर खान सबा खान थैंक यू सो मच. हारिस अली आपका भी बहुत शुक्रिया. ओके एसन शबीर थैंक यू सो मच. लकी मलिक थैंक यू सो मच. प्रिंसेस सेंटो सेनोरिटा ओके जी प्रिंसेस सेनोरिटा आपका भी शुक्रिया. अच्छा और कौन कौन है जी ये काफ़ी ज़्यादा फीडबैक. प्रिंसेस नवाल आपका भी शुक्रिया. राजा तैमूर अतीकुर रहमान और जी मुस्कान खान ये नाम मैं नहीं पढ़ सकती जी, जिसका ये नाम है खान ये नाम मैं नहीं पढ़ सकती, ये नाम मुझे बहुत अजीब लग रहा है. अच्छा जी समीर अजरम खान आपका भी शुक्रिया. हिजर हयात भूमिया और समीर अजरम खान फिर से निफाद हुस्मान आपका भी शुक्रिया. मोहम्मद साकिब अवान थैंक यू सो मच. राजा टॉरस आपका भी शुक्रिया. उजैर नासिर भट और ये काफ़ी ज़्यादा. अच्छा जी फिर से आप जो आइडियाज़ जो हैं थोड़ी सी ऑकवर्ड लगती है ना बोलते वक्त, आप काइंडली अपना नाम वहाँ पे मेंशन कर दिया करें. खान के नाम से एक आइडिया खान जी का बहुत शुक्रिया, लेकिन काइंडली ये आईडी जो है बोलते हुए अजीब सी लग रही है. आप काइंडली अपना ओरिजिनल नेम वहाँ पे लिख दिया करें, जो आईडी मैं बोल नहीं सकती ऑन एयर. फ्रेंड्स के लिए क्या सुनाएंगे? बिल्कुल फ्रेंड्स के लिए मैं एक पाकिस्तानी सॉन्ग गाऊंगा और ये मैं एक्चुअली मेरे बच्चा लोग मेरे भांजियां भांजियों को डेडिकेट करूंगा. मैं उनका नाम लेना चाहता हूँ. अच्छा. माहिन शाहजेब तुबा शाहजेब सारा शाहजेब सोरेन शाहजेब उसके बाद राफे उसके बाद फलक अली एंड फसी एंड यस आई लव यू ऑल. तुम लोग मुझे जितना प्यार करते हो आई लिटरली अप्रिशिएट यू फॉर लविंग मी सो मच. मैं भी तुम लोगों से उतना ही प्यार करता हूँ. इवन नो मैं तुम लोगों को वक्त नहीं दे पाता हूँ मेरे स्केजुल्स बिजी स्केजुल्स की वजह से, लेकिन आई लव यू ऑल और ये एक सॉन्ग मैं तुम सबके लिए गा रहा हूँ. छुए 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 उन प्यारी रातों में आए आए प्यार मुझे तेरी बातों पे ऐसे में मेरी जात तू जो जाएगी मेरी जात तो निकलती जाएगी बाहों में ले ले आकर आज रात बेकरारी बढ़ती मेरी जान मैंने ढूंढा ये जहां मेरी जान कोई तुझ सा है कहां तेरी तरह कोई नहीं मुझ में बसे खुशबू तेरी छुए 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 उन प्यारी रातों में तेरे बिन बस तेरी कमी है मेरी आँखों में तेरी नमी है मेरी जान क्यों दूर हुई है क्यों है दूरियाँ तू जो दूर हो पास हो चाहे तेरे बिन कुछ रास ना आए मुझे याद दिलाए हर दम बातें वो तेरी तेरे बिन मेरा सोना ये जहां मेरी जान कोई तुझ सा है कहां तेरी तरह कोई नहीं मुझ में बसी खुशबू तेरी.
That was really very nice. अच्छा जी listeners, मैं बताना चाहूँगी हमारे साथ यहाँ पे ऑफिस में एक और भी टैलेंट है जो काम करते हैं और जी गाना चाहते हैं, तो हम कहेंगे कि जी आए जरा माइक पे, आप भी थोड़ा सा गाइए, नाम खुद बताएंगे, तो आ जाए इधर आ जाए।